राजनीति में तो कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, तो ये सब आप इसके साक्षी भी हैं कि कब कब क्या क्या उतार चढ़ाव हुए। इसके बारे में मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, लेकिन अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम, राजनाथ सिंह जी वगैरह सबका ये स्नेह मेरे पर रहा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा तो मेरे भाई जैसे हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ में बहुत प्रेम प्यार और एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं, और पूरी टीम मेरे साथ है, उन सबका मुझे स्नेह मिला है। मेरी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का भी और हिंदुस्तान का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और एकाएक मुझे राज्यसभा में भेज दिया। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए तो एक चुनौती के रूप में राज्यसभा मैं मानता हूँ। विधानसभा में तो हम लोग दो बार रहे पहले भी, और कई समितियों के मुझे चेयरमैन रहने का भी मौका मिला था, चाहे एस्टिमेट कमेटी हो या क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी हो, उन सब में भी मैंने काम किया था, और पूरे हिंदुस्तान और विदेश का भी उन कमेटियों के और चेयरमैन के रूप में मुझे जाने का मौका भी मिला। और मैं जहाँ कहीं भी गया वहाँ पर अपने इस क्षेत्र की चिंता करते हुए वहाँ पर जो कुछ भी काम करना चाहिए था वो हमने किया। अभी मुझे कृषि मंत्रालय की एक समिति है उसमें मुझे सदस्य के रूप में चुना गया, इसमें 30 सदस्य हैं और उसमें राज्यसभा और लोकसभा की एक संयुक्त समिति होती है। अभी कॉरपोरेट अफेयर्स उसमें भी मुझे सदस्य के रूप में लिया। ये व्यवस्था होती है, हमारा बंटवारा होता है काम का कि कौन सदस्य किस मंत्रालय में किस विभाग में वो अपनी सेवाएं देगा। तो जब बैठकें होती है विभिन्न विषय आते हैं उन विषयों पर, और अपने विचार भी रखने का अवसर मिलता है कि किस प्रकार से कॉरपोरेट संस्थानों को और सुदृढ़ किया जा सके। अभी वैसे कम इन इंडिया मेक इन इंडिया की तर्ज पर हमारी हिंदुस्तान सरकार काम कर रही है, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी और अति अभी प्रयत्नशील है, और उन्होंने भी पहले महाराष्ट्र से 4.5 लाख करोड़ का MOU करके आए, उसके बाद में वो जापान और कोरिया गए थे और वहाँ से भी बहुत बड़ा MOU करके आए, और अभी इंग्लैंड और जर्मनी वहाँ से भी और MOU करके आए, और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में ही बाहरी कंपनियाँ आई और उनका भी 3 लाख करोड़ का MOU अभी जयपुर में 3 दिन पहले ही हुआ। यानी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, हाँ जिला कलेक्टर महोदय ने और सबने अधिकारियों ने भी पूरा सहयोग किया। अब ये MOU जो हुए हैं, ओम जी देखो बहुत होशियार है, इन्होंने एकदम से बात नपीतुली बात कह दी। ये जितने भी MOUs होते हैं उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान हमारे अधिकारियों का होता है। हमारे अधिकारी उसमें स्वयं प्रेरित सहयोग की भावना रखे तो वो MOUs धरातल पर उतरते हैं, अन्यथा अधिकारी यदि चक्कर कटवाना शुरू कर दे कि एक बिजली के कनेक्शन के लिए उनको यदि चक्कर काटना पड़े और थक हार के वो वापस बैठ जाए तो सारे MOUs धराशायी हो जाते हैं। तो MOUs तब होते हैं कि जब हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड नियर मार्केट, ये सब कुछ जब होता है तब जाकर के और कोई भी उद्यमी अपने घाटे पसीने की कमाई किसी क्षेत्र में लगाने के लिए प्रयत्न करता है, तब हमारा अधिकारी उसको जमीन दिखाता है कि ये जमीन आप कौन सी चिन्हित करोगे जहाँ पर कि कच्चा माल उपलब्ध हो, फिर उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, कनेक्शन चाहिए तो उसको वहीं पर फाइल मंगवा करके स्पॉट पर ही तुरंत कितना किलोवाट का कनेक्शन चाहिए तुरंत, और उसके साइन करके दे दे कि ये कनेक्शन आपका यहीं हो गया, चक्कर नहीं काटनी किसी विभाग में नहीं। सिंगल विंडो स्कीम, सिंगल विंडो स्कीम का मतलब है कि आपको कहीं चक्कर नहीं काटना, आपके यहाँ अधिकारी आएगा, आपके यहाँ पर आपसे संपर्क हमारा अधिकारी करेगा। ऐसे हमने कई IAS ऑफिसर्स एक एक कंपनी के साथ में लगाए,
ताकि उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। पानी कनेक्शन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उनको, यहाँ तक कि आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, वहाँ पर आपको सुविधा कैसे मिलेगी, ड्राई पोर्ट हम कहाँ दे सकते हैं और किस प्रकार की व्यवस्था उनको दे सकते हैं, ये सब चिंता करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो पैसा भी उनको और 4% ब्याज पर या किसी भी वो इस प्रकार से उनको, क्यों, बड़ी राशि होती है, बड़ा काम होता है। तो ये सारे MOUs भी होंगे और मैं आपको भी विश्वास दिलाऊं कि उनमें से कुछ हमारे इलाके में भी, और हम लाने के लिए प्रयत्नशील हैं और हम चाहते हैं कि इस इलाके में भी इस प्रकार के उद्योग लगें। तो संपन्नता बढ़ती है, इससे इलाके की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो ये सब हम प्रयास करेंगे। और अब जो मुझे कॉरपोरेट अफेयर्स में जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं वहाँ पर इस प्रकार के बड़े घराने जो हैं उनसे भी संपर्क में आऊँगा, तो उनसे भी और प्रयास ये करूँगा कि हमारे इलाके को किस प्रकार से हम लाभान्वित कर सकें। एक यहाँ फिल्म सिटी का भी हमने ज़मीन भी दिलवाई थी, अपने कई लोग उत्साहित भी हैं, उसमें अवसर भी मिलेगा फिल्म सिटी में, तो वो भी काम अपन करेंगे, सब मिलकर के करेंगे। इलाके में निश्चित रूप से जो भी हम योगदान दे सकें इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। विशेष रूप से हमारी जो राजस्थान में और दिल्ली में दोनों जगह हमारी सरकार है, तो उद्यमी को ये भरोसा होता है कि हमारी टांग खिंचाई नहीं होगी, सहयोग मिलेगा, स्थिर सरकार है और ये जो वायदा करते हैं वो अपने समय में निश्चित रूप से निभाएंगे। जब इस प्रकार का विश्वास होता है तब उद्यमी तैयार होता है कहीं भी उद्योग लगाने के लिए। तो हम सोचते हैं कि सारा ये प्रयास अपन सब करेंगे। आप सबका तो मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह खूब मिला है, इतना प्यार मिला है और मैं सोचता हूँ कि ये मेरी शक्ति बनेगा और बन रहा है। आपने इतना एकदम कम समय में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, और मैं तो यही निवेदन करूँगा कि कभी मैं आपके काम आ सकूँ, आप मुझे आधी रात को भी याद करेंगे तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे आपने किसी योग्य समझा। आप निश्चित रूप से मुझे कोई भी काम बताएं, विशेष रूप से जो जिस उद्योग में आप लगे हैं वो उद्योग भी पनपे, फले फूले, प्रगति करे, किसी भी क्षेत्र में अपन जाएं, नई पीढ़ी को भी अपन और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, उसमें भी कहीं ज़रूरत पड़ी और विशेष रूप से अनुभवी लोग यहाँ अपने बीच में हैं वो भी और हमारा मार्गदर्शन करें कि किससे हमें संपर्क करना है। कई ऐसे बड़े बड़े जैसे जिंदल है, ऐसी कई कंपनियां हैं, उनसे भी हम अब संपर्क में रहेंगे सबसे, तो लाएंगे इसी बेल्ट में कुछ न कुछ तो लेकर के आएंगे।